तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की एक और नई वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में आप नेता सत्येंद्र जैन अपनी कोठरी में फल और कच्ची सब्जियां खाते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के मंत्री का यह नया वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब उन्होंने हाल ही में कोर्ट में अपनी डाइट के लिए एक याचिका दायर की थी। सत्येंद्र जैन ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उनकी धार्मिक आस्था के अनुसार फल, सूखे मेवे और खजूर जैसे खाने की चीजें मुहैया कराने का आदेश दिया जाए। अदालत ने दिल्ली सरकार के मंत्री जैन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से मंगलवार को जवाब तलब किया था। याचिका सोमवार को दायर की गई थी। इसमें जेल अधिकारियों को मंत्री का तत्काल मेडिकल चेकअप कराने का भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इसमें कहा गया है कि मंत्री जैन धर्म के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं, लेकिन जेल में उन्हें पिछले 12 दिन से उनकी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से खाना नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस वीडियो के जारी होने के बाद भाजपा एक बार फिर दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई है। वीडियो पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद जयहिंद ने कहा है कि मीडिया से एक और वीडियो मिला। दुष्कर्मी से मालिश कराने और उसे फिजियोथेरेपिस्ट बुलाने के बाद सत्येंद्र जैन को लजीज भोजन का आनंद लेते देखा जा सकता है। कर्मियों ने खाना परोस रहा है जैसे वे रिसोर्ट में छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि केजरीवाल जी ने सुनिश्चित किया है कि हवालाबाज को वीआईपी मजा मिले, सजा नहीं।